भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। सर, नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया। आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत। इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी की ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा चावल दाल दूध दही पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सबके भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा दाल चावल दूध दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी द आम आदमी पार्टी, आई राइज टू स्पीक ऑन द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। सर, सरल भाषा में कहूँ तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को जितना खर्च आवंटित किया गया था वो सारा पैसा खर्च करने के बाद आज अतिरिक्त पैसा मांगने सरकार इस सदन के भीतर आई। काश ये सुविधा देश के आम आदमी के पास भी होती सर, जो महीने की 25 तारीख को अपना बटुआ खाली देखकर 5 दिन संघर्ष करके 1 तारीख आने की इंतजार करता है। सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 2 चीजें में से एक अवश्य दर्शाता है। पहली चीज, क्योंकि सरकार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ी तो पहली चीज यह है कि जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को पैसा चाहिए था तो सरकार ने अपना जो वित्तीय बजट था उसे अंडर एस्टिमेट कर प्रेजेंट किया, ताकि वित्तीय घाटे को सुंदर करके उसका सौंदर्यकरण करके दिखाया जाए। अगर ये नहीं है तो दूसरी स्थिति अवश्य होगी कि सरकार ने अपना बजट पूरी तरीके से मिसमैनेज कर दिया। इन दोनों में से यदि कोई एक स्थिति उत्पन्न होगी उसी में सरकार को एडिशनल पैसे की अतिरिक्त खर्चे की जरूरत पड़ रही। सर, अतिरिक्त पैसे के लिए सरकार इस सदन के सामने आई है, कोई बात नहीं सर, उस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा 2 और विषयों पर होनी चाहिए। पहला विषय कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 40 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस सदन ने सरकार को सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, उस 40 लाख करोड़ को खर्च करके सरकार ने क्या पाया, क्योंकि भारत देश के आर्थिक इंडिकेटर्स संकट का अलार्म बजा रहे हैं। और दूसरा, आज से 2-3 महीने बाद यहां से 100 मीटर दूर नॉर्थ ब्लॉक में जहां आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट बन रहा है, आज ये बहस मैं चाहूंगा आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट की भी नींव रखे। और सर, मैं नया सदस्य हूं, सदन का एक सुझाव और देना चाहता हूं। हम सारे लोग बजट पे चर्चा उसी समय करते हैं जब बजट प्रस्तुत किया जाता है। हमें सदन में 2 बार बजट पे चर्चा करनी चाहिए, एक बार जब बजट प्रस्तुत हो और विंटर सेशन में 7-8 महीने बीतने के बाद कि उस बजट से देश को हासिल क्या हुआ, मिला क्या, कितनी नौकरियां मिली, क्या बेरोजगारी की दर है, कितनी महंगाई का। सर, आज सरकार 3,25,757 करोड़ मांगने इस सदन के भीतर आई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान ये पैसे सैंक्शन करने से पहले और सदन का ध्यान इस पैसे को अनुमति देने से पहले, 8 बड़ी बीमारियां जिससे आज भारत देश की अर्थव्यवस्था पीड़ित है, बीमार है, उसकी तरफ करना चाहता हूं। पहली बीमारी है सर बेरोजगारी। इस सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। सर, नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया। सर, 45 ईयर हाई पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया। सर, 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तब देश का बेरोजगारी दर 4.9% था। जब इनकी सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में ये बेरोजगारी दर 4.9% से बढ़कर 8% पे आ गया है। 8%। और ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब लॉसेस
एमएसएमई के कारखाने कितने बंद हो गए, उनका घर बिक गया, कारखाने बंद हो गए, उसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने देश को बताया कि कुल 22 करोड़ आवेदन पत्र भारत सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए आए। उन 22 करोड़ आवेदन पत्रों में से आपको जान के चंबा होगा, सरकार ने मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी। सर 22 करोड़ आवेदन पत्र के मुकाबले 7 लाख लोगों को नौकरी। सर हम लोग छाती चौड़ी कर कहते हैं कि हम युवा देश हैं, हम युवाओं का देश हैं, हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे गर्व है, फक्र है। सर भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड बेरोजगारी के तले दबता जा रहा है, सड़कों पे लाठियां खा रहा है, और भारत सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील करती जा रही है। सर ये सच्चाई है आज। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरकार जिसने देश को, युवाओं को घर पे बिठाने का काम किया, इसका नारा बदल के हो गया है हर घर बेरोजगार, यही है आज की भाजपा सरकार। सर मैं दूसरी बड़ी बीमारी जो इस भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बड़ी बीमारी है सर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन को कहा जाता है सर, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वो महंगाई जो सरकार कानून लाए बिना जनता पे थोप देती है। सर आज भारत की महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 30 सालों में सर्वाधिक थी सर, 30 ईयर हाई पे, जहां भारत की थोक महंगाई 12 से 15 प्रतिशत के आसपास घूम रही है और खुदरा महंगाई 6 से 8 प्रतिशत के आसपास घूम रही है। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है, देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत। और सर आज इस बहस को सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सर मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स जो 20,000 रुपए महीने के कमाता था और 18,000 रुपए खर्च करता था, वो महीने का 2,000 रुपए बचाता था। आज उसकी आमदनी 20 की 20 है, 20,000 है, लेकिन खर्चा 18,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया, यानी कि 20,000 की आमदनी, 25,000 का खर्च, 5,000 रुपए की नुकसान का खामियाजा का कर्जा देश का एक एक आदमी भुगत रहा है। सर मैं बताना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब 2014 में महंगाई का आलम देखिए सर, 2014 में जब यह सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। सर एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है। सर इस सदन में सर जब प्याज सर आपका प्रोटेक्शन चाहिए, आपका प्रोटेक्शन चाहिए सर, ये बात सही है सर, इसे देखिए सर आप, चलो बोलो सर, बोलो चलो बोलो 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 सर 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 जब देश में आई एम नॉट यील्डिंग बट सर इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा चावल दाल दूध दही पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए, जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा दाल चावल दूध दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं, और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की।